जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घरवाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठ के पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठ के पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूंगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो घोल के पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही सकता हूँ एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई? और क्या मिल जाएगा पढ़ के, जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब क्या जान दे दूं क्या? एग्जाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे। कम से कम पॉइंट तो याद रख ही लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बना के लिख ही दूंगा यार। एग्जाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं वैसे, बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है।